जयंद दोस्तों, मैं एयरविटन कॉर्पोरल मौनारंगन चेन्नई से। दोस्तों, आज का मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है, अब आएगा खेल का मजा। दोस्तों, ये वन रैंक वन पेंशन टू का जो टेबल निकलने के बाद, टेबल निकलने के चार दिन बाद, अभी कल जो है मेजर जनरल सतबीर सिंह की आंख खुले है, क्योंकि अब आईएसएम हो या आईएसएल हो, अब वहां पे जो मतलब पोस्ट में थे ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स, सुबेदार मेजर, स्नैप सुबेदार सीनियर्स, जब उनको कुछ नहीं मिला, अब हो गया भी खेल वहां पे। लोग क्योंकि इतने दिन जो है किसी इनके पीछे भाग रहे थे कि कुछ फायदा मिलेगा बुढ़ापे में। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बुढ़ापे में किसी को मतलब पैसे की जरूरत पड़ता है इलाज के लिए या किसी और चीज के लिए। इन लोगों ने सोचा कि सतबीर सिंह दिलाएगा, आईएसएम दिलाएगा, लेकिन जब किसी को कोई फायदा नहीं मिला और चार दिन जब ये चुपचाप बैठा हुआ था, हम लोगों ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, जाके अपने मालिक से पूछो, तो हमने कहा, ओपनली कहा कि मतलब ये जो है सिर्फ ऑफिस के लिए। अब इनकी आंख खुल गई, अब ये आ रहे हैं कि आ गया। अब देखो, ये भी खेल अभी कैसे खेल रहा है, ऑफिस के लिए भी खेल हो रहा है। अब मेजर जनरल सतबीर सिंह ने जो लेटर लिखा है आईएसएम की तरफ से, उसमें क्या क्या दिया है। अब रिजर्विस्ट का जो पॉइंट उठा रहा है, रिजर्विस्ट का पॉइंट जो है, ये कोर्ट में क्यों नहीं किया। कोर्ट में ये बता रहा था कि कहां कहां सुप्रीम कोर्ट में इसको मौका मिला था, बहुत बहुत ज्यादा मौका मिला था कि ये वार ओपी के मतलब 2016 से जब केस चल रहा था, इसके पास मौका था रिजर्विस्ट का, आनरी नायक का, आनरी हवलदार का पॉइंट उठाने का। और इसके पास बाद में भी 2019 में इसके पास टाइम था, 2022 में जब फाइनल हो रहा था उस टाइम भी था, किसी भी एफिडेविट में उसने इसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं बताया। इसका जो है ये फायदा उठाना चाहता है अभी मेजर्स के लिए। ये मेजर कौन है, 99% जो मेजर्स को जो अभी नहीं मिला है फायदा लेफ्टिनेंट कर्नल का, वो जवानों से मेजर बना हुआ, वो डायरेक्ट कमीशन उसमें सिर्फ 1-2% होगा, बाकी सब जो है ब्रांच कमीशन की वजह से गया। ये लोग रिटायर हुए 96 के बाद बेशक, लेकिन 96 के बाद किसको मिला है, जिन लोगों ने 22 साल से ऊपर मेजर का रैंक पे था। और ये लोग जो भी रिटायर हुए हैं 96 के बाद, ये कोई 20 साल में, कोई 21 साल में, इसलिए इसको इन लोगों को जो है लेफ्टिनेंट कर्नल का फायदा नहीं मिला। ये लड़ाई हो रहा था उनके लिए भी था। अब उसका लेटर में आप देखोगे कि मतलब 15 साल से 17 साल का सिपाही 18 साल तक एक ही पेंशन है, और 18 के बाद पेंशन इतना ही बढ़ रहा है। क्यों भाई, वार ओपी वन में 15 साल से लेके 26 साल तक जो नायक को जो है 18,427 यानी कि 7,170 उस टाइम आपको नजर नहीं आया, वहां पे बात ही नहीं किया उस टाइम। लेकिन ये अभी खेल मैदान पे अभी क्यों उतरा, उसका मेन पॉइंट्स क्या है, लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर, अरे इतना तक मालूम नहीं, एक मेजर जनरल होके ये बता रहा है कि मतलब कर्नल ब्रिगेडियर और मेजर जनरल का जो है एमएसपी कैलकुलेशन पे नहीं लिया। सबसे पहले मेजर जनरल को एमएसपी है क्या, दूसरा क्या है कि ये मतलब इस तरह की बात कर रहा है कि जैसे ये अनाड़ी है। मेजर जनरल सतबीर सिंह सर, मैं आपको रेस्पेक्ट देता हूं एक बुजुर्ग होने के नाते,
और एक रिटायर्ड मेजर जनरल रैंक के नाते, नहीं तो मैं और कुछ बोल देता, ना आपको कुछ मालूम है या ना आपके आईएएस में जो बैठे हैं ना उन लोगों को कुछ मालूम है। ये मतलब जेसीओस के ऊपर इतना मतलब ना इंसाफी क्यों हुआ? आप सब मतलब सवाल पूछ रहे हो, आपको खुद को मालूम होना चाहिए इसका मतलब जड़ कहां पे है। जब सेवंथ पे कमीशन नेशनल पे फिक्सेशन जब आउट हुआ था उस टाइम क्या कर रहे थे आप लोग? हमने तो उसी टाइम समझाया कि लोगों के साथ प्रॉब्लम आएगा आगे जाके, क्योंकि नेशनल पे फिक्सेशन जो है उसमें क्या क्या गलतियां हैं ये इसके बारे में आप लोगों को मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आप लोगों को कोई नॉलेज नहीं है। आप होस्ट आप तो मतलब रैंक पे बैठा होगा, एक मेजर जनरल या ग्रुप कैप्टन कोई भी रैंक हो सकता है, लेकिन आपको ना प्रैक्टिकल नॉलेज है ना पेंशन के या पे के बारे में कुछ नॉलेज है। जहां तक जवानों की आपसे इसकी पता नहीं हो सकता है, लेकिन जवानों का आपको कोई आइडिया नहीं है। आप लोगों को यह नहीं मालूम है कि जो 2016 से 2006 से पहले जितने भी जवान थे जो मतलब जेसीओस वॉर्स और आनरी कमीशन ऑफिसर जो भी रिटायर हुए प्री 2006 उनके साथ 2006 से किस तरह 2006 तक कैसे अन्याय हुआ और 2006 के बाद सर्कुलर 568 आने के बाद वहां पे किस तरह धोखा किया है इसके बारे में आपको कोई ज्ञान है? अगर आपको कोई ज्ञान होता है ना तो ये वन रैंक वन पेंशन हमारे साथ डिस्कस करके आप बैठ गए होंगे। आप लोग वन रैंक वन पेंशन के चक्कर में इसीलिए आए थे आपसे उसका फायदा दिलाने के लिए, जैसे उसको नहीं। हम लोग जो है इज्जत देते हैं स्वर्गीय कर्नल इंद्रजीत सिंह सर को, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है थोड़ा बहुत जागरूक हुआ लोगों के बीच में वन रैंक वन पेंशन के बारे में। हाँ मैं मानता हूं आप ही की वजह से जो है हाईलाइट हुआ 2014 के बाद, ये तो मैं हमेशा कहीं भी बताऊंगा कि मेजर जनरल सतबीर सिंह की वजह से ये हाईलाइट हुआ, लेकिन हाईलाइट हुआ है फायदा किसको मिला है? जिन लोगों ने आपको 10 लाख 15 लाख 20 लाख करके जो डेली डोनेशन देते थे संगठन ऑफिसर्स की संगठन जो जेसीओस का पैसा, उन्हीं को आपने फायदा दिलाया। अभी भी वॉर ओपी टेबल टू में कर्नल ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर जनरल के बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी भी आप लोगों को 10,000 से ऊपर फायदा है, क्यों नहीं बात कर रहे उसके बारे में? जवानों को क्या फायदा मिला? खासकर आप इतना बात कर रहे हो ना, आपके साथ साथ एक मैडम है ना सुदेश गोयल, वो हमेशा जो है मैं फैमिली पेंशनर्स को जब भी देखता हूं मेरे आंखों में आंसू आ जाती है। आपको मालूम है कि वॉर ओपी वन में कितने बड़ा नाइंसाफी हुआ ये लिबरलाइज्ड बैंक मतलब शहीद परिवारों के साथ, और अभी भी कहां तक मतलब एक शहीद परिवारों के साथ क्या मतलब प्रॉब्लम हुआ? एक जो है मैं आपको बता रहा हूं, जनरली ब्रिगेडियर के फैमिली मतलब शहीद नहीं होते हैं, ब्रिगेडियर या कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल बहुत कम परसेंटेज में, फिर भी मैं आपको बताता हूं, एक जो है कर्नल की बीवी सॉरी एक लेफ्टिनेंट कर्नल की बीवी जो शहीद बीवी मतलब जो वार विडोज ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल जो है, कितने का फायदा है? 12,000 रुपए का, 12,000 एक कर्नल की बीवी शहीद परिवार 18,000 का फायदा, और एक ब्रिगेडियर की जो शहीद बीवी है शहीद ब्रिगेडियर का जो बीवी है जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन ले रही है उसको कितने का फायदा है? 21,000। मजा नहीं आया आपको? लेकिन एक जो है सिपाही की बीवी उसको कितने का फायदा है? 2,000। नायक की बीवी 2,000, हवलदार की बीवी 4,000 के आसपास,
और नायब सूबेदार से लेकर सूबेदार मेजर तक जीरो, इसके बारे में आपने लेटर लिखा। मैंने कल भी वीडियो बनाया इसी के बारे में, इसके बारे में कोई नहीं बात करता। जो टेबल बनाते हैं ना रोज, वो भी नहीं बताएंगे। आपके लेटर के ऊपर इतना चर्चा हो रहा है ना, आपको ये नहीं मालूम था कि मतलब हमारे जो है सेवंथ पे कमीशन में हमारे पे फिक्सेशन गलत था, छठा पे कमीशन हमारा पे कमीशन पे फिक्सेशन गलत था, पांचवा पे कमीशन हमारा पे फिक्सेशन गलत था। जो पे फिक्सेशन एक सिपाही का जो है प्राइमरी टीचर के बराबर हुआ करता था, वो कैसे डाउन हुआ? आप जो डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन हमें इज्जत, वो इज्जत चाहिए जो 73 से पहले था, जो 1947, आप अपने लिए बात कर रहे थे, कभी जवानों के लिए बात किया? आप जो बुजुर्ग एक मेजर जनरल रैंक में आपने अब रिटायर हुआ, इस देश का मतलब इस देश के लिए आपने बहुत काम किया, लेकिन आप अपने हाथ मतलब सीने पे हाथ रख के बताओ, कभी आपने अपने साथ जो मतलब काम किए हुए जो जवान जो शहीद हुआ उस फैमिली के बारे में कभी सोचा? अगर आपने उसके फैमिली के बारे में, उस शहीद परिवार के फैमिली के बारे में अगर सोच लिया होता, तो ये वन रैंक वन पेंशन शुरू से जो है ऑफिसर्स के लिए नहीं लड़ते, जवानों के लिए लड़ते। लेकिन आपने जो है ऑफिसर्स को फायदा देने के लिए और ऑफिसर्स को फायदा पहुंचाने के लिए आपने ये नाटक जो है मतलब सच्चे दिल से जो जिसने ये मुहिम शुरू किया था वो हमारे इंद्रजीत सिंह सर। लेकिन आप लोग जो है ये मुहिम वार ओपी का जो मेन जो प्रिंसिपल, इसको आप लोगों ने हाईजैक किया, ये हाईजैक किया आप लोगों ने। आप लोग मिलके मतलब मिलके साजिश करके जवानों को मतलब गड्ढे में डाला। अभी आप मतलब लेटर लिख रहे हो, आपके लेटर में जो कुछ भी लिखा है अगेन ऑफिसर्स की भलाई के लिए, जवानों के इसमें कुछ नहीं है। पीएमआर जो जब शब्द निकला था आपको कितना गुस्सा है 2015 में, लेकिन आप जो है ये पीएमआर के बारे में अभी कोई एक शब्द भी नहीं है। कहां आपने बताया पीएमआर के बारे में? सतवीर सिंह सर आप जो है ये ना नाटक की ये डबल डबल एक्टिंग छोड़ दो, क्योंकि जो अगर आप मतलब ये कहते हैं ना रिवर को अगर पार करना चाहते हो एक नाव में जाओ, आप दो तीन नाव में पैर रखने की कोशिश मत करना। अब जवान जैसे हो जवान अब जाग गए, अभी जो इतना होने के बाद भी अगर कोई भी जैसे वो अगर आपके साथ अगर बैठा है तो मैं समझूंगा कि वो कोई पर्सनल काम के लिए या नहीं तो आपके सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने वाला हो सकता है, कोई जिसको अपना पर्सनल इज्जत सेल्फ प्रेस्टीज जिसको बोलते हैं, जिसको अपनी इज्जत प्यारी है, मान सम्मान अगर वो सोचेगा, कोई भी जैसे वो आपके साथ नहीं बैठेगा, मैं ये तो गारंटी के साथ बता सकता हूं। और यही जो बात जो है मैं लीग वालों को बता रहा हूं, लीग वालों अभी तो सुधर जाओ, अभी सुधर जाओ, क्योंकि आप लोगों की वजह से जितने भी ये लीग में जो है जेसीओ 95% ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स सूबेदार सूबेदार मेजर यही लोग मतलब पद पे बैठे हैं। आप लोगों ने भी देख लिया होगा आपको क्या मिलना है, आपको क्या मिल रहा है और आगे जाके भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये भी मैं अभी अभी आपको बताता हूं। मैंने ये 3 साल पहले बोला था जैसी वो जवान जैसी उसको कुछ नहीं मिलेगा, अभी आगे वार ओपी 3 अगर आएगा तो उसमें भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी तो जागो, अभी तो जागो। सबका सैनिक संघर्ष कमिटी है, वैसे हर जगह जैसी उसका जवान जैसी वो जवान का संगठन है, उसको सपोर्ट करो। और 20 तारीख अगले महीने 20 तारीख से जो हमारे मतलब सबका सैनिक का जो संघर्ष शुरू होने वाला है, धरना शुरू होने वाला है, उसमें शामिल हो जाओ। छोड़ दो उनको, छोड़ दो जो धोखेबाज है।
अगर इतने इतने होने के बाद भी अगर आप उनके पैरों के नीचे रहोगे तो अपना गुलामी आप प्रूव कर रहे हो। चलो ठीक है, सर्विस में आप लोगों को जो है एसीआर की वजह से प्रमोशन या ऑनरी रैंक के चक्कर में आप लोगों ने, मतलब आप लोग नहीं, सभी ने जिसको जो भी मतलब हवलदार से ऊपर पहुंच गया उसको करना पड़ता था, नहीं तो कोई मतलब उसको एसीआर नहीं मिलता। लेकिन अभी तो आप वर्दी में नहीं है, अभी तो आप एक मतलब आजाद इंसान हो। एक आजाद इंसान को जो है सबसे पहले चाहिए सेल्फ प्रेस्टीज चाहिए। अगर मान सम्मान के बारे में अगर जो आदमी नहीं सोचेगा ना, उसको जिंदा रहने के लिए कोई हक नहीं है। आप सोच लो, आप इंसान बनना चाहते हो, अगर आप में थोड़ा बहुत भी अगर मतलब मान सम्मान का कोई मतलब आइडिया है तो आप जो है उनको छोड़ दो जो आपके साथ धोखा किया इतने साल। इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता हूं। 20 तारीख को मैं फिर याद दिला रहा हूं, 20 फरवरी 2023 से दिल्ली में कंटिन्यूस धरना होगा। नवंबर 14 को जो धरना हुआ वो एक सैंपल था। अब 20 तारीख के बाद जो है हर स्टेट में लगातार ये चलता रहेगा, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम करेंगे जेसीओ जवान मिलके। और अगला वीडियो मैं बनाऊंगा दूसरे शख्स के लिए। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एकता जिंदाबाद, भारत सेना की जय हो।